हेलो एवरीवन वेलकम टू पारो फिजिक्स केवी आज इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रसेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में एक मार्क में काफी बार आ जाता है देखो हमारी जो फिजिक्स है फिजिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट हमें काम करना होता है मेजरमेंट लेने का फिजिकल क्वान्टिटी हम मेजर करते हैं एक उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है और एक उसकी मेजर्ड वैल्यू होती है अब वो एक्चुअल वैल्यू मेजर्ड वैल्यू के कितना क्लोज है हमने कितना एक्यूरेटली उसको मेजर किया है दैट इज डिटर्म बाई एक्यूरेसी सो एक्यूरेसी डिटरमिन्स हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द एक्चुअल वैल्यू प्रिस बताता है कि हमने जो वैल्यू मेजर की है अगर हम उसको दोबारा मेजर करते हैं या फिर काफी नंबर ऑफ टाइम्स मेजर करते हैं तो वो आपस में वैल्यूज कितनी क्लोज आ रही है इट मीन्स हम कितना उसको मेजर कर रहे हैं इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं लेटे सपोज मेरे पास एक सिलेंडर है सिलेंडर की मुझे लेंथ मेजर करनी है इसकी एक्चुअल वैल्यू लेटेस्ट सपोज है 10.31 सेंटीमीटर दिस इज द ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू लेकिन हम जो मेजर कर रहे हैं वो है लेटर सपोज टू पॉइंट थ्री जीरो एक मेजरमेंट में हमारे पास वैल्यू आई है टू पॉइंट थ्री जीरो और दूसरी मेजरमेंट में वैल्यू आई है टेन पॉइंट थ्री थ्री सेंटीमीटर तो हम कहेंगे ये जो दो मेजर्ड वैल्यू है इसमें से कौन सी ज्यादा एक्यूरेट है ये ज्यादा एक्यूरेट है क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू के काफी क्लोज है लेकिन लेट अस सपोज हमने अभी मेजर क्या करी कौन सी वैल्यू मेजर करी टेन पॉइंट फोर वन टू सेंटीमीटर तो ये एक्चुअल वैल्यू से दिस इज द एक्चुअल वैल्यू उसके उससे थोड़ा दूर है लेकिन ये ज्यादा प्रिसाइज़ है क्योंकि इसके अंदर हम और रेजोल्यूशन तक मेजर कर पा रहे हैं तो इसका मतलब जरूरी नहीं है दैट प्रिसाइज़ वैल्यू हैज टू बी एक्यूरेट हमारी ये जरूरी नहीं कि प्रिसाइस वैल्यू होगी तो एक्यूरेट भी होगी नो दीज आर मोर एक्यूरेट ये वाली दोनों वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट है और इनमें से सबसे ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू है टेन पॉइंट थ्री जीरो बट अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो दिस वैल्यू इज मोर प्रिसाइस इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं अस सपोज नंबर लाइन पे ये हमारी एक्चुअल वैल्यू है और ये हमारी मेजरमेंट्स है तो हमारी एक्यूरेसी कितनी है एक्यूरेसी इज डिटर्मिंड बाय ये जो मेजर्ड वैल्यू है ये एक्चुअल वैल्यू से कितनी दूर है कितना डिफरेंस है इसमें दिस इज एक्यूरेसी और प्रिस का मतलब है हमने जो ये मेजरमेंट करी इसकी जो लोएस्ट वैल्यू मेजर्ड और हाईस्ट वैल्यू मेजर्ड में कितना डिफरेंस है जितना कम डिफरेंस होगा इन मेजर्ड वैल्यूज में उतना ही हाई प्रिसीजन होगा अगर ये जो मेजर्ड वैल्यूज हैं दे स्पैन ओवर अ लॉन्ग रेंज तो उस केस में हमारा प्रोसेशन मेजरमेंट का कम है बेसिक मोर एग्जाम्पल सपोज हमें टारगेट करना है हमें जो ये गेम होती है इस टारगेट पे टारगेट पे हमें हिट करना है थ्रू अ डार्ट तो पहले वाले केस में हमारे जो डार्ट्स uh, लगे हैं वो कहाँ लगे हैं दे आर नियर द सेंटर एक ये डार्ट है एक ये डार्ट है एक ये डार्ट है बट यहाँ पर हम कहेंगे देखो एक्यूरेसी हाई है कि ये बुल्स आई के काफी पास है बट यहाँ पर प्रसिशन कम है क्योंकि ये काफी दूर दूर तक स्प्रेड है अगर मैं second part में देखूं तो यहाँ पर ये एक्यूरेट कम है क्योंकि ये बुल्स आई से थोड़ा दूर है लेकिन सारी की सारी वैल्यूज काफी पास पास हैं इसका मतलब है यहाँ पर प्रसिजन अच्छा है ऑल दो देर इज एक्चुअल वैल्यू से काफी हटके हैं वो इसका मतलब एक्यूरेसी कम है और थर्ड डायग्राम में अगर हम देखें तो ये एक्यूरेट भी है और भी है, क्योंकि ये बुल्स आई पर हिट कर रहे हैं और ये सारी की सारी वैल्यूज बहुत पास पास हैं। इसका मतलब इन सब में डिफरेंस बहुत कम है सो प्रिस इज हाई सो दिस वाज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रन आई होप आपको ये क्लियर होगा दैट्स ऑल फॉर नाउ अ गुड डे